रिक्वायरमेंट नीट फाउंडेशन में क्लास 11 के जो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन सिस्टम, उसमें जीआईटी के कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आहार नाल में चार हार्मोन साबित होते हैं जिनका नेचर पेप्टाइड होता है, और कौन कौन से हार्मोन है इनका फंक्शन क्या है आपको देखना है। सबसे पहले क्या होता है आहार नाल में, देखिए दिखाएंगे इसके द्वारा, यानी कि आहार नाल के द्वारा इसके द्वारा चार पेप्टाइड हार्मोन का श्रावण होता है। पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन का श्रावण होता है, हार्मोन का श्रावण होता है, तथा यह हार्मोन अलग अलग लक्ष्य कोशिकाओं या अंगों पर कार्य करते हैं। जो आहार नाल है यानी कि जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके द्वारा चार पेप्टाइड हार्मोन साबित होते हैं, वो कौन कौन से हैं आपको देखना है। सबसे पहले होता है यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन। दूसरा होता है सेक्रेटिन हार्मोन। तीसरा होता है कोल सिस्टोकाइनिन ऐसे बोलते हैं CCK। और चौथा है जी आई पी। ये चार प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आहार नाल से यानी कि जो जीआईटी है उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो गैस्ट्रिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन और जीआईपी हार्मोन। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये छोटी आंत से स्रावित होता है, छोटी आंत से यानी कि ड्यूडेनम से, आप कह सकते हैं होता है ड्यूडेनम से स्रावित होता है। इसको हम बोलते हैं ग्रहणी, जो कि छोटी आंत का ही एक भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है। सेक्रेटिन का जो श्रावण होता है ये भी ड्यूडेनम से ही स्रावित होता है, ड्यूडेनम से यानी ये भी ग्रहणी से ही स्रावित होता है, ग्रहणी से। और ये होता है जेजुनम, इसको हम शेषांत्र बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं शेषांत्र। तो जितने हार्मोन होते हैं चारों के चारों ये छोटी आंत द्वारा स्रावित होते हैं। पहले तो आप ये याद रखें आहार नाल के कई भाग होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आहार नाल के पार्ट होते हैं जिसमें चारों हार्मोन छोटी आंत के द्वारा स्रावित होते हैं। छोटी आंत में जो अलग अलग भाग होते हैं, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, इलियम होता है उसके द्वारा दूसरा स्रावित होता है, लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन स्रावित होते हैं चार, इनके बारे में आपको देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे
कि गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है। सबसे पहले हम देखेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन, चाहे आप ऐसे देख सकते हैं और अच्छे से GIT, GIT यानी कि ये है आहार नाल, आहार नाल जो GIT है, इससे चार हार्मोन जो स्रावित हो रहे हैं। यहाँ पे कुल आपको ये देखना है GASTRIN, गैस्ट्रिन हार्मोन। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी अमाशय की दीवारों पर यानी कि स्टोमक पर कार्य करता है। आप कहेंगे जो गैस्ट्रिन हार्मोन है यह हार्मोन अमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड को यानी जठर ग्रंथियों को, अमाशय की जठर ग्रंथियों को श्रावण के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है जिससे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन जो चीफ सेल से सीक्रेट होता है, पेप्सिनोजेन इसका जो श्रावण होता है चीफ सेल के द्वारा तथा म्यूकस यानी कि श्रावण जो अलग अलग करता है, तो इसमें म्यूकस भी आ जाता है यानी कि उसको श्लेष्म बोलते हैं, श्लेष्म या आप लिख सकते हैं म्यूकस। ये तीन चीजों का श्रावण गैस्ट्रिक ग्लैंड के उपस्थिति में होता है, प्रेरित करता है जठर ग्रंथियों को, अमाशय की दीवार पे गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक हार्मोन जो होता है ये जाकर के उसको प्रेरित करता है, इससे तीन चीजें स्रावित होती है, वहां से पूछा जाता है। और इनका अलग अलग कार्य होता है, HCl के कार्य क्या होता है, ये भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है तथा जीवाणुओं को भोजन में जो होते हैं वो नष्ट करने का कार्य करता है। पेप्सिनोजेन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, इसका पेप्सिनोजेन होता है एक निष्क्रिय एंजाइम होता है, जो निष्क्रिय एंजाइम है यानी जो पेप्सिनोजेन है इस एंजाइम पर यह HCl आकर के ऐड करता है और इसको पेप्सिन में बदलता है। इसके कार्य HCl के कार्य भी आपसे पूछा जाता है, तो इसके दो कार्य हो गए, कई कार्य कर सकते हैं, दो आपको यहाँ याद रखना है कि पेप्सिनोजेन जो निष्क्रिय एंजाइम उसको सक्रिय में कौन बदलता है, HCl, और यह भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम भी प्रोवाइड कराता है। इतने कार्य हो गए। दूसरा हार्मोन आप लिखेंगे CCK या सिक्रेटिन, पहले देख लेंगे सिक्रेटिन, जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है ये काम करता है आपके अग्नाशय पर, यानी कि आप लिखेंगे यह हार्मोन अग्नाशय के बहिस्रावी भाग को प्रेरित करता है, यह हार्मोन अग्नाशय के बहिस्रावी भाग को प्रेरित करता है जिससे वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का श्रावण होता है। तीसरा हार्मोन है आपका CCK, यह हार्मोन अग्नाशय के यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो CCK होता है, CCK हार्मोन दो जगह कार्य करता है, ऐसे याद करिए, एक तो अग्नाशय यानी कि यह हार्मोन
अग्नाशय के अंतःस्रावी अंतःस्रावी भाग को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, जिससे जिससे एंजाइम का श्रावण होता है, एंजाइम का श्रावण होता है, श्रावण होता है। जो भी पंक्रियाज या पंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस में जो एंजाइम होते हैं उनके श्रावण को कौन प्रेरित करता है? सीसी के। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे जो कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिनोजेन भी होता है, आपके लाइपेज होता है, न्यूक्लियेज होता है, डीएनए होता है, इनके श्रावण को प्रेरित करता है। और दूसरा होता है सीसी के गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, पित्ताशय को यानी कि आप लिख सकते हैं यह हार्मोन, यह हार्मोन पित्ताशय को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, जिससे पित्तरस का श्रावण होता है, पित्तरस का श्रावण होता है, श्रावण होता है। आप देखेंगे कि जो सिक्रेटिन और सीसीके ये दोनों ही अग्नाशय पार करते हैं, लेकिन सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है, सिक्रेटिन वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को प्रेरित करता है अग्नाशय से, और सीसीके जो होता है एंजाइम को श्रावण को प्रेरित करता है। एक और हार्मोन होता है, आप पहले इसको देख लीजिए पूरे तरीके से, जीआईपी यानी गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये अमाशय की दीवार पर कार्य करता है, अमाशय की दीवार पार करता है, यानी कि जी सेल्स जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उसको प्रेरित करके एससीएल पेप्सिनोजेन और श्लेष्म का श्रावण को प्रेरित करता है। जो सिक्रेटिन होता है ये अग्नाशय पर कार्य करता है, लेकिन अग्नाशय आप जानते हैं कि मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें दोनों भाग होते हैं बहिःस्रावी और अंतःस्रावी। जो बहिःस्रावी भाग होता है वो सिक्रेटिन उसको प्रेरित करता है, वहां से स्रावित होता है वाटर और बाइकार्बोनेट आयन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइकार्बोनेट आयन और वाटर के श्रावण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, ये चार ऑप्शन देगा, इसमें सिक्रेटिन आंसर लगेगा। इसके बाद आता है कि सीसीके जो होता है गाल ब्लैडर को यानी कि पित्ताशय को प्रेरित करता है पित्तरस के श्रावण को, लेकिन बनता कहाँ है? पित्त लीवर में बनता है, बनता यकृत में है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? पित्तरस पित्ताशय में, जिससे वहां से श्रावित होगा। और जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को प्रेरित करता है वो एंजाइम के श्रावण को प्रेरित करता है। और एक एंजाइम इसमें बचा, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जीआईपी है इसको बता रहे हैं, पहले देख लीजिए जीआईपी। जीआईपी देखिए एक हार्मोन होता है जीआईपी, यह हार्मोन गैस्ट्रिक यानी जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनके श्रावण को अवरोध करता है, यानी अवरोध उत्पन्न करता है, श्रावण को श्रावित होने से रोकने कार्य करता है। यह हार्मोन जठर रस के श्रावण को यह हार्मोन जठर रस के श्रावण को रोकता है, जठर रस के श्रावण को रोकता है। ये चार हार्मोन आपके हो गए। और इसमें एक चीज और है कि जो नोट में आप लिख सकते हैं, जो सिक्रेटिन होता है सिक्रेटिन हार्मोन इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट हार्मोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट हार्मोन कौन सा स्रावित होने वाला, ये फर्स्ट हार्मोन है। सिक्रेटिन की डिस्कवर हुआ था हार्मोन के रूप में, ये पहला हार्मोन है जिसका खोज हुआ था। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, तो बताएंगे सिक्रेटिन। थैंक यू, धन्यवाद।